के 24 घंटे आदमी की रेल बनती है। अरे तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ, इसकी पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। तो मतलब जब अपने बच्चों को देख देख के वीडियो कॉलिंग पर रोता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपका फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में, और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को स्किप ना करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो है एक फैमिली ड्राइवर के लाइफ के बारे में, कि फैमिली ड्राइवर जो होते हैं उनकी लाइफ कैसे चलती है, कैसा उनका काम होता है, क्या सैलरी होती है उनकी, और कितनी कितनी मुश्किलें आती हैं। तो लोग अक्सर अपनी लाइफ बताना नहीं चाहते हैं। कोई भी बंदा कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं था, बहुत लोग मेरे मिलने वाले हैं लेकिन किसी बंदे ने हामी नहीं भरी। तो आज दो भाई हैं, वो बताएंगे आपको कि फैमिली ड्राइवर का काम कैसा होता है, और अभी जिस कंपनी में वो आए हैं कैसे आए हैं वो सब आपको बताते हैं। तो चले चलते हैं, उनसे बात करते हैं। ये तो मेरी गाड़ी खड़ी है और मैं उनके रूम के पास आया हूँ। ये पूरा उनका देखिए, कंपनी ने पूरा फ्लैट दे रखा है, तो अभी अंदर चलते हैं। तो ये दोस्तों ये है इनका रूम, ऐसी रिहायशें होती हैं, और इनका जो रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पर है। तो ये है इनका रूम, अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आरिफ भाई, ठीक है? हाँ बड़े। तो आप पहले फैमिली ड्राइवर पे थे? हाँ फैमिली ड्राइवर पे थे हम पहले। कैसा काम था फैमिली ड्राइवर का? फैमिली ड्राइवर का वो काम था कि अपने मॉल जाना, अपने बच्चे ज़्यादा थे तो वो अपने कोल्ड ड्रिंक लाना, परेशान करते थे, बकाला जाते थे मिनट मिनट पर, कभी मदरसा भी जाते थे, वो सुबह को मैडम छोड़नी पड़ती थी। मतलब टफ काम था। हाँ टफ काम था। और तो अभी फिर आपने क्या करा, जॉब छोड़ दी फिर अब वो? जॉब छोड़ दी, जॉब छोड़ कर फिर मैं दोबारा आया हूँ, मैं बड़ी गाड़ी पर आया हूँ। बड़ी गाड़ी पर माशाल्लाह बेहतरीन। बेहतरीन काम है। हाँ बेहतरीन तो काम मतलब है। इसमें फैमिली ड्राइवर में लोग बताते हैं बहुत अच्छा काम है, और मैं देखता हूँ नए नए कपड़े पहने हुए घूम रहे हैं, ये क्या हिसाब किताब है? नहीं, ये सब दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आदमी टिप टॉप बन के रहता है अपने, तो ये बात सबको ये लगता है कि बंदा खुश है, मगर वो अंदर से खुश नहीं है। सबको दिखाने के लिए अपने परिवार वालों को, जो भी उसके यार दोस्त होते हैं, तो सबको ये दिखाता, हाँ मैं फैमिली ड्राइवर ही मैं सही हूँ बिल्कुल, मगर लेकिन बंदा खुश नहीं होता, अंदर से खुश नहीं होता। अंदर से खुश नहीं किसी भी होता। टाइम फोन आ जाता है, मतलब किसी भी ये टाइम फोन आ जाता है, किसी टाइम कुछ भी, यानी कि 24 घंटे आदमी की रेल बनती है। तो आप लोगों को ये दिखाना है कि आप भी अगर कहीं गलत फंसे हुए हैं तो एक अच्छी कंपनी चूज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इंडिया में किधर से हैं आप? यूपी से। यूपी में किधर? बुलंदशहर से। हम भी यूपी के हैं, रामपुर के। आप पंजाब में किधर से? अमृतसर। अमृतसर। तो आप दोनों भाइयों से मेरे एक सवाल है, सबसे पहले ये बताएं कि फैमिली ड्राइवर का काम कैसा होता है, क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं और क्या उसमें दिक्कतें हैं? फैमिली ड्राइवर का काम तो अच्छा है। अच्छा। काम जब अच्छा है, जब हमारा कपिल अच्छा मिल जाए हमें। अच्छा। हाँ कपिल अच्छा है तो तुम्हारे सब कुछ बढ़िया है, जो फैमिली कम है उसमें, फैमिली कम में आपको परेशानी नहीं होगी। हाँ ये चीज़ मैंने भी सुनी है कि अगर जिस फैमिली में बच्चे ज्यादा हैं, औरतें ज्यादा हैं, तो मदरसे छोड़ के आना है, बच्चे भी परेशान करते हैं हाँ, कुछ, बच्चे बहुत कोई परेशान बोले करते रोटी ला हैं, दो। मदरसे छोड़ के आओ, और ये मॉल पे कई कई घंटे लग जाते हैं, पार्क पे घूमने चले गए तो पार्क पे भी कई कई घंटे लग जाते हैं, तो यानी कि कोई टाइम टेबल नहीं था ड्यूटी का। अच्छा। हाँ आप ये सोच के आए हाँ, होंगे कि 8 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे होगी, की ड्यूटी है यार, बस क्या बताऊँ मैं तुम्हें, बस मेरी जिंदगी अजाब हो गई, तो इसलिए अब आपने इसलिए इसलिए आपने छोड़ मैं दिया। इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब फिर मैं 2-3 साल बाद फिर दोबारा आया है, ये सीखी वहाँ पे, आप गाड़ी पे, बड़ी गाड़ी पे आया है। हाँ वो अभी भी आप अभी जो है इनकी जो गाड़ी, जिस गाड़ी पे आए हैं वो गाड़ी भी आपको दिखाएंगे। तो तीरथ भाई आपका कैसा था कफील? मेरा बहुत अच्छा ही जी, मतलब बहुत अच्छा काम भी करे, मतलब मेरे को कोई एमरजेंसी बन गई फिर इंडिया में चल गया मैं। अच्छा मतलब आपका सारा सिस्टम अच्छा था। हाँ जी। लोग कम थे कम फैमिली में? हाँ जी बहुत घट ही, दो लोग थे। हाँ जी दो बस। तो मतलब काम ज्यादा नहीं था? नहीं ज्यादा काम। खाना नहीं। पीना देते थे? हाँ जी। आपको देते थे खाना? हाँ खाना देते थे, त्योहारों पे पैसा देते थे, जैसे ईद वगैरह पे। हाँ ईद वगैरह पे, त्योहार बस पे। काम ज्यादा था? काम ज्यादा। तब तुम अपनी परेशानी की वजह से गए, लोगों की वजह से नहीं गए? नहीं जी। तो फिर तुमने घर पे जाके कुछ टाइम अपने मतलब 2-3 साल रहा, फिर कंपनी में आ गया मैं। चलो अच्छा एक चीज और बताएं, मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग फोटो वगैरह डालते हैं बड़े माशाल्लाह अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं और चश्मा लगा के नए नए कपड़े पहन के, इसकी क्या सच्चाई है? अरे तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ, इसकी पीछे की सच्चाई कुछ और ही है, मत परेशान रहता है बंदा। चले चले मुंह छोड़े, किसका जैसा काम हाँ, चल रहा है वो जैसा चलने दे। हाँ बस अपना चलने दो, चले मतलब अपने दिल से पत्थर रख के करो, मतलब घर दे अपने घर दी छड़ के, बच्चे छड़ के परदेश पैसा कमाने,
बंदा अपनी घरवाली को छोड़ कर आता है इधर, बस यह है परेशानी में आता है इधर। इधर पर बंदा आ जाता है ना इधर, तो जब अपने बच्चों को देख देख के वीडियो कॉलिंग पर रोता है। हम किसी की मौत में जा सकते, ना किसी की शादी में जा सकते, जितना मतलब ब्याह, यानी कि हम किसी भी में भी नहीं जा सकते। यानी कि इधर 2 साल हमें काटना बहुत कड़ा हो जाता है। एक एक दिन हम अपने बच्चों को देख के वीडियो कॉलिंग पर रोते हैं। तो दोस्तों, ये आपने इन दोनों भाइयों को सुना, और चलें अब इनकी आपको दोनों को गाड़ियाँ दिखाते हैं कि ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं, ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं। तीरथ भाई ये बस चलाते हैं अभी? हाँ जी, ये चलाता हूँ। छोटी बस है? हाँ जी छोटी। तो इसमें कितनी सैलरी है? इसमें 1500। 1500 सैलरी? हाँ जी। और काम क्या है? बस ही चलानी, बस मतलब रूम जो आदमी इतने लेके आने, कंपनी रूम से लेके जाने। अच्छा, बंदों को लाना लेके जाना है? हाँ जी। ये तो बहुत बढ़िया यार, दूसरा बिल्कुल फ्री फिर? हाँ जी। अच्छा आरिफ भाई, आप इस गाड़ी पर आए अभी? हाँ माशाल्लाह, इस गाड़ी पर आए हम, बड़ी गाड़ी पे सत्ता चलाते हैं। ये ट्रेलर जो पीछे, हमारे इंडिया में घोड़ा बोलते हैं, यहाँ पे सत्ता बोलते हैं इसे। अच्छा, तो इस पे आपकी कितनी सैलरी है? इस पे 1500 प्लस ट्रिप है मेरा। तो माशाल्लाह बढ़िया है, बढ़िया गाड़ी है बिल्कुल। मतलब आने का फायदा हुआ आप? हाँ, पहले से बहुत फायदा हुआ मुझे, उसमें तो बड़ा परेशान हो गया था। तो इसमें कितने पैसे दिए एजेंट को? इसमें मैंने 1,20,000 रुपए दिए थे। अच्छी कंपनी मिल गई माशाल्लाह। तो अंदर से गाड़ी दिखा सकते हैं ये थोड़ी? हाँ अंदर से देख लो, बढ़िया गाड़ी है एकदम, मान गाड़ी। ये है भाई मान गाड़ी, मान गाड़ी है, बहुत जबरदस्त गाड़ी है, गाड़ी बढ़िया है, बेहतरीन। और ये इसमें पीछे सब सोने कुछ का है, सिस्टम है पूरा, एसी है, सब चीज माशाल्लाह बढ़िया मिल गया पहले से। घर वाले माशाल्लाह खुश हैं? हाँ खुश है। तो आरिफ भाई और तीरथ भाई आप दोनों साथ में हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? वही लोगों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो आदमी वहाँ पे इंडिया में अपने 20,000 कमा रहा हो, तो वो बंदा अपने वहीं पे ही अपने परिवार के साथ रहे, यानी कि सऊदी आने की उसकी कोई जरूरत नहीं है, या ख्वाहिश। अगर 20,000 कमा रहा है तो ना आए, 20,000 कमाता है तो बिल्कुल ना आए, और सऊदी आने की ख्वाहिश है तो कम से कम 1500 सैलरी पाए, क्योंकि 400-500 भी खाएगा तो अपने आदमी 20,000 तो बचाएगा, और 20,000 अपने इंडिया में बचा रहा हो तो बिल्कुल ना आए। दोस्तों अगले ब्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।